मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हम सबों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें आज भी जीवित है। वाजपेयी जी का साहस, पराक्रम, भाषण और कविताएं से शायद आप लोग परिचित होंगे, लेकिन जन जन में उनकी जितनी पैठ थी उनसे जुड़ी उतनी ही कहानियां हैं। एक कहानी बिहार के नवादा की है। 1960 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी नवादा आने वाले थे। जनसंघ के कार्यकर्ताओं को सूचना थी कि वे रेलवे से आ रहे हैं। लोग रेलवे स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक रिक्शा भी कर रखा था, लेकिन वह स्टेशन पर उतरे और ब्रीफकेस लेकर लोगों से पूछते हुए पैदल ही जनसंघ कार्यालय पहुंच गए। जब कार्यकर्ताओं को जानकारी हुई कि अटल जी कार्यालय पहुंच चुके हैं, तब जनसंघ के स्थानीय लीडर गौरी शंकर केसरी उसी रिक्शा से आनन फानन कार्यालय पहुंचे। तब केसरी जी ने अटल जी से कहा कि हम सब आपका स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे, आपके लिए एक रिक्शा भी कर रखा था। फिर अटल जी को नाश्ता कराने के बाद गौरी शंकर केसरी उसी रिक्शा से प्रचार के लिए निकल रहे थे। अटल जी बोले, बैठे क्या करेंगे, मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों शख्स उस रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शा से घूमकर पूरे शहर में प्रचार किए कि आप सब शाम 4 बजे प्रजातंत्र चौक पर आइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण है। शाम में जब भीड़ जुटी, तब जिन लोगों ने रिक्शा पर उन्हें देखा था, वे लोग आपस में चर्चा करने लगे कि नेता कहाँ हैं, ये तो वही लोग हैं जो दिन में रिक्शा से प्रचार कर रहे थे। अटल जी इस बात को बखूबी समझ रहे थे। जब बोलने की बारी आई, तब भाषण की शुरुआत में ही कहा कि रिक्शा वाले अटल हैं, इस चौक पर वाजपेयी हूँ, मैं ही अटल बिहारी वाजपेयी हूँ। लोग चकित हो गए। गौरी शंकर केसरी जी अब जीवित नहीं हैं। तब तस्वीर और वीडियो का प्रचलन नहीं था, लेकिन केसरी जी के परिवार और स्थानीय लोगों को अटल जी का यह संस्मरण आज भी याद है। केसरी जी की पत्नी कमला देवी कहती हैं कि उनके इस कदम की लोग तारीफ किया करते थे। दोनों रिक्शा पर बैठ करके प्रचार किए, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रजातंत्र द्वार पर भाषण होगा। केसरी जी के पुत्र नवीन केसरी कहते हैं कि उनके पिताजी अक्सर अटल जी की सादगी की यह कहानी सुनाया करते थे। तो हमारे पूज्य पिताजी इस बात का अवश्य जिक्र करते थे कि एक जमाना ऐसा था कि हम और अटल जी एक ही रिक्शा पर बैठ करके नवादा के शहर में प्रचार किए थे, क्योंकि अटल जी की इच्छा थी कि हम नवादा शहर घूमें। तो उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत रिक्शा पर बैठ करके पूरे शहर घूमे थे और प्रचार हो रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण शाम 4 बजे नवादा के प्रजातंत्र चौक पर होगा। और जब शाम को 4 बजे मुख्य अतिथि के तौर पे अटल जी जब भाषण देने खड़े हुए, तो लोगों में ये फुसुर फुसुर हुआ, यही व्यक्ति तो आज दिन भर रिक्शा पर घूम करके प्रचार कर रहा है। ऐसी घटना नवादा से उनका जुड़ा हुआ। वरिष्ठ पत्रकार रामजी प्रसाद भी अटल जी का रिक्शा से प्रचार वाली कहानी को सुनाते हुए कहते हैं कि वाजपेयी जी का नवादा से गहरा लगाव था, वे 10-12 दफा नवादा आए थे। गौरी शंकर केसरी यहाँ एक उभरते हुए नेता थे जनसंघ के, और वो जब आते थे वाजपेयी जी, तो उनको सुनने के लिए रिक्शा पर बैठा करके गौरी शंकर केसरी लेकर प्रचार करते थे शहर में कि आप लोग आइए और इनका भाषण सुनिए। जब भाषण शुरू होता था शाम में, तो लोग देखकर आश्चर्य करते थे कि यही अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो रिक्शा पर प्रचार करते थे, क्योंकि वो भी प्रचार करते थे। गौरी शंकर केसरी जब बोलते थे तो ये भी बोलते थे कि आप लोग आइए भाषण सुनने के लिए, हम ही भाषण देंगे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी है जो यही रिक्शे पर प्रचार भी करते थे और यही भाषण दे रहे हैं। यही नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता केदार सिंह बताते हैं कि केसरी जी और अटल जी के बीच कवि और महाकवि का नाता था। बड़े आयोजनों में सार्वजनिक तौर पर केसरी जी को वाजपेयी जी गीत सुनाने के लिए बुलाया करते थे। गौरी शंकर जी से लगाव की एक बड़ी वजह यह भी थी कि 1962 में बिहार में जनसंघ के 3 MLA निर्वाचित हुए थे, उनमें गौरी शंकर केसरी भी एक थे। क्लोज होने का यह रहा कि केसरी जी भी गायक थे और मंच पर वो भी गायक थे और वो भी गीत गाते थे, इसलिए प्रभावित थे।
और चूंकि उस समय जनसंघ में इने गिने लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते थे और जो पहला चुनाव जो चार जो तीन आदमी जो जीते हैं उसमें केसरी जी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से केसरी जी से संबंध था। अच्छा, अटल जी कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। आती गांव के धनुषधारी सिंह का निधन हो गया था, तब उन्होंने उनके पुत्र रविशंकर प्रसाद सिंह को पत्र लिखकर शोक प्रकट किया था। यह पत्र उनके परिजन के लिए आज भी थाती के रूप में है। उनकी सादगी की कहानियों में एक कहानी 1989 की है, जब वे लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बिहार आए थे। नवादा से कामेश्वर पासवान चुनाव लड़ रहे थे। टीचर्स ट्रेनिंग परिसर में सभा हो रही थी। उनका भाषण सुनने के लिए काफी भीड़ एकत्रित थी। मंच तक पहुंचने में उन्हें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा था। तब मंच का हिस्सा रहे भाजपा के तत्कालीन जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि बड़े ही सहजता से उस भीड़ को शांत कर दिए थे। मुझे नवादा की वाक्या याद आई। 1989 में अटल जी नवादा आए थे। टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में उनका कार्यक्रम था। मुझे याद पड़ रहा है, मैं जिला अध्यक्ष था, मंच संचालन कर रहा था। कामेश्वर पासवान का लोकसभा का चुनाव था। अटल जी को गेट से आने में धक्कम धुक्की का सामना करना पड़ा, क्योंकि भीड़ हम लोग के अंदाज से बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब स्टेज पर अटल जी आए तो उन्होंने देखा कि बहुत मायूस हैं लोग धक्कम धुक्की से, तो ये मायूसी को तोड़ने के लिए जब उन बोलने लगे तो शुरू किया, धक्कम धुक्की हुआ, मुझे भी धक्का लगा, लेकिन मैं आहत नहीं हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं प्रसन्न हुआ, क्योंकि यह अपनों का धक्का था। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। एक्सक्लूसिव पोस्ट का यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, आगे भी ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।